दोस्तों, क्या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो हो गया है? तो आज मैं आपको फास्ट करने का ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, मेरे ऑफिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे लैपटॉप है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। उसका रीज़न है हमारे हार्डवेयर इंजीनियर। बेसिकली मैं मिलाना चाहूँगा आपको भूषण जी से, जो हमारे ऑफिस में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो लैपटॉप और कंप्यूटर मेरे ऑफिस में लगे उनका परफॉर्मेंस बरकरार इसीलिए क्योंकि ये उनके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, मैं इनको पूछना चाहूँगा परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए मैं लैपटॉप जो हीट होता है उसके लिए कूलिंग पैड्स का यूज़ करता हूँ। और फिर लैपटॉप जैसे ही स्टार्ट करते हैं, विंडो स्टार्ट करते हैं, देन उसमें ऑटो स्टार्टअप ऐप्स बहुत सारे रन होते हैं, तो उसे डिजेबल करके रखा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो वो कूलिंग पैड लगा दिया है उन्होंने हर एक लैपटॉप के नीचे, जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। जिससे क्या होता है, आप अगर बेड पे रख के ऑपरेट करोगे ना लैपटॉप पे, तो जो हीट वहाँ पे बाहर आनी चाहिए लैपटॉप से वो नहीं आती है, और उससे परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो वो परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए इन्होंने पहले कूलिंग पैड हर एक लैपटॉप के नीचे रख दिया है। अब सिस्टम की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप और सिस्टम में स्टार्टअप ऐप जो चालू होते हैं वो अनवांटेड स्टार्टअप ऐप उन्होंने डिसेबल करके रखे। और इसके अलावा आप क्या करते हैं? उसके बाद जो बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं उन्हें भी डिसेबल करके रखा है, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है लैपटॉप का। यस, बहुत सारे अनवांटेड ऐप्स बैकग्राउंड में रन होते हैं उससे भी वो डिसेबल करके रखते हैं। अब इसे कैसे करना है, डोंट वरी, मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आगे वीडियो में है। बट पहले इनसे जान लेते कि भाई इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, और ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा आपको सिस्टम के साथ ये कैसे करना है। और आप क्या करते हैं? फिर डिस्क क्लीनअप नाम का एक विंडोज़ की सर्विस है, उसे यूज़ करके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज करता हूँ। राइट, बिल्कुल। डिस्क क्लीनअप से जो अनवांटेड फाइल रहती है वो क्लीन कर देता है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। बेसिकली एक यूटिलिटी है विंडोज़ की, तो उसकी मदद से यहाँ पे अनवांटेड फाइल क्लीन होने की वजह से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जो स्लो है वो फास्ट होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, मल्टीपल चीज़ें। और भी क्या है मैं उनसे पूछना चाहूँगा? फिर कभी कभार हम अपने यूज़ के लिए एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और बाद में बहुत सारे दिनों के बाद उसका यूज़ नहीं रहता है, फिर उसे भी अनइंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज होने में हेल्प होती है। यस, ऑफ कोर्स, राइट, एग्जैक्टली। इन्होंने जो कहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है हम कभी कभी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस वो अनइंस्टॉल कैसे करना है ये तो स्टेप में बताऊंगा। इन्होंने ऑलरेडी अनइंस्टॉल करते रहते हैं, मतलब ये लैपटॉप के साथ वीकली कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ते रहे। राइट, कोई अनवांटेड ऐप तो नहीं है, ऐसे सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, मतलब सपोज इन सभी से भी अगर कंप्यूटर आपका प्रॉपर नहीं चला, लैपटॉप अगर प्रॉपर नहीं चला, तो फाइनल स्टेप आपका फाइनल एक्शन क्या रहता है? तो सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग होने के बाद जो विंडोज़ है पूरा नया इंस्टॉल हो जाता है और न्यू सिस्टम वहाँ पे आ जाता है। हाँ, न्यू सिस्टम वहाँ पे आ जाता है। राइट, तो एकदम नए सिस्टम की तरह काम होता है जब विंडोज़ आप फॉर्मेट कर देते हैं। बेसिकली फॉर्मेट करना तब ज़रूरी होता है जब आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है, लैपटॉप परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है। आपने सारी चीज़ें कर ली, जैसे इन्होंने आपको बताया कि भाई स्टार्टअप किया, बैकग्राउंड ऐप क्लोज कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताया बेसिकली, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, इवन विंडोज़ फॉर्मेट कैसे करना है, ये तो मैंने पहले ही बताया ऑलरेडी, उसका वीडियो आई बटन पे आपके लिए लिंक कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये सारी चीजें कैसे करते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए अगर आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपको 2x 3x नहीं 10x करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो शुरू करते हैं, खास लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आपको बढ़ाना है आपके लैपटॉप और सिस्टम का परफॉर्मेंस, उसके लिए क्या क्या करना है, स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी, लेकिन ये कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली भी देखने वाले। तो सबसे पहले तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको कूलिंग पैड खरीदना चाहिए। बेसिकली लैपटॉप अगर आप डायरेक्टली बेड पर रखते हो तो वहाँ पर जो हीट बाहर आनी है लैपटॉप से, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट बेसिकली नीचे रहता है, तो हीट बाहर आनी है वो नहीं आती, और वहाँ पर लैपटॉप का परफॉर्मेंस वीक हो जाता है गर्म होने की वजह से। तो आपको कूलिंग पैड लगाना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक करना क्या, इसमें 500 रुपए में कूलिंग पैड आ जाता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसे लैपटॉप के नीचे रखोगे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और अगर आप नहीं लगाना चाहते एनीवे, आपको लगता है कि यार ये इसे कौन कैरी करेगा, तो आप लैपटॉप जब भी रखोगे तो थोड़ा सा हाइट पे, पीछे से आपको हाइट रखनी है लैपटॉप, और जो आप जहां पे रख रहे हो, सपोज आप डेस्क पे रख रहे हो, बेड पे रख रहे हो, तो थोड़ी सी हाइट पे रखो ताकि वहां से हवा बाहर निकले और वहां पे लैपटॉप ज्यादा हीट ना हो, जिससे आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये लैपटॉप के साथ जनरली करना होता है। सिस्टम के साथ तो ऑलरेडी बहुत सारे फैन लगे रहते हैं
सिस्टम में तो कोई इशू नहीं आता है, राइट। हीट डिसिपेशन का प्रॉब्लम खाली लैपटॉप में ही आ जाता है। दूसरा, अब यहाँ पे स्टार्टअप ऐप जो होते हैं, करना क्या है, स्टार्टअप ऐप के बारे में बताया था भूषण जी ने आपको, तो करना क्या है, आपके विंडोज में आपको स्टार्टअप लिख देना है सर्च के अंदर, बेसिकली सर्च में जाना है और आपको स्टार्टअप लिख देना है। जैसे स्टार्टअप लिखोगे स्टार्टअप ऐप्स आ जाएगा, इसे ओपन करना है और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, उसे आपको यहाँ पे बंद करना है। एक एक ऐप को आप ये क्या करना है, डिसेबल करना है। बेसिकली जिन ऐप्स की आपको जरूरत नहीं है वो स्टार्टअप के दौरान ही हो जाते, मतलब क्या, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, विंडोज स्टार्ट करते हो, वो रन हो जाते हैं, तो उन्हें आपको यहाँ पे रखना नहीं है स्टार्टअप में, तो उन्हें आप यहाँ से डिसेबल करके रख सकते हैं, राइट, जिससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। उसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स रन होते हैं, उन्हें भी आपको यहाँ पे बंद करना है। जैसे कि आप यहाँ पे बॉटम में टास्क बार की जो ट्रे है उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप रन होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो उन ऐप को यहाँ पे जाकर आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी डेस्क ऑलरेडी रन है, तो इसे आप जाकर राइट क्लिक करके क्विट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम्स जो माइक्रोसॉफ्ट का, इसे भी आप बैकग्राउंड में रन हो रहा है, इसे भी राइट क्लिक करके क्विट कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड ऐप्स है इन्हें भी आपको बंद करना जरूरी होता है, तो बैकग्राउंड ऐप्स भी आप बंद करिए। साथ ही में आपको और भी चीजें करनी है, जैसे कि आपके अनवांटेड फाइल्स टेम्पररी फाइल्स क्लीन करनी, तो उसे क्लीन करने के लिए सिंपल करना क्या है, आपको आपके सिस्टम में स्टार्ट और आर प्रेस करना है, बेसिकली आर, स्टार्ट और आर यानी कि विंडो की प्लस आर, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, जिससे क्या होगा यहाँ पे पूरी की पूरी टेम्पररी फाइल्स आएगी, जो एप्लीकेशंस आप ओपन करते हो उनकी टेम्पररी फाइल यहाँ पे जनरेट होती है और वो बाद में वैसे ही पड़ी रहती है जब आप उसे क्लोज भी कर देते हो, तो बहुत सारी बार, तो उनको यहाँ पे आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट बटन दबा के इसे पूरा पूरा क्लीन कर रहा है। हालांकि यहाँ पे सारी फाइल डिलीट नहीं होगी, कुछ फाइल स्किप के लिए आएगी जो करंटली सर्विसेज एप्लीकेशन रन हो रहे, तो यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स से क्लिक करके यहाँ पे स्किप बटन पे आप क्लिक कीजिए, तो बाकी की फाइल्स डिलीट नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीट होगी। एक तो ये तरीका है जो कि आप रिसेंटली यूज प्रोग्राम है उनकी फाइल्स जो होती टेम्पररी वो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेम्प लिखोगे खाली वही रन कमांड के अंदर और एंटर करोगे, तो सिस्टम की भी टेम्पररी फाइल्स रहती है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, विंडोज़ की टेम्पररी फाइल, उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं, बिंदास यहाँ पे शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस कीजिए और इसे भी डिलीट कीजिए, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी है, टेम्पररी फाइल्स डिलीट करनी। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी आपको रन करनी है, वो भी यूटिलिटी आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लेना है, बस डिस्क क्लीनअप आप सिंपली सर्च करोगे स्टार्ट में तो भी आ जाएगा, कहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाओ, कहाँ पे जाकर ढूंढो, ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस आपको स्टार्ट में डिस्क क्लीनअप लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक ड्राइव आ जाएगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, फिलहाल सी ड्राइव के लिए हम डिस्क क्लीनअप यहाँ पे रन करेंगे और वो पूछेगा कि भाई इसमें क्या क्या आपको डिलीट करना है, जैसे डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स डिलीट करनी है या टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स डिलीट करनी, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप जरा ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। जनरली टेम्पररी फाइल्स तो हमने डिलीट कर दी है, लेकिन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद रिसाइकल बिन में भी बहुत सारी फाइल पड़ी रहती है हमारी, कभी कभी हम फाइल डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, जो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट नहीं होती, वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जाती, तो रिसाइकल बिन में हमें इसलिए फाइल मिलती है वहाँ पे क्योंकि हम उसे रिस्टोर कर सके अगर एक्सीडेंटली डिलीट होगी तो अगर आपको कोई फाइल जरूरी नहीं तो रिसाइकल बिन से भी हटाना है तो यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करके आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये सारी फाइल यहाँ पे क्लीनअप हो जाएगी। तो डिस्क क्लीनअप ये यूटिलिटी भी आप रन कर लो, ये यूटिलिटीज है जो मैं आपको बताना हूँ आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो करनी चाहिए आपको, इसे वीकली करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस लो हो रहा है तो उसमें एचडीडी हो सकता है या सिस्टम का परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसका कारण हार्ड डिस्क भी हो सकता है, एचडीडी हार्ड डिस्क जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली नए लैपटॉप और नए सिस्टम में एसएसडी है आजकल, अगर आप देखोगे तो एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, बेसिकली एक छोटा सा ड्राइव जो मेमोरी कार्ड की तरह रहता है वैसे वो आया है आजकल, लेकिन पुराने कंप्यूटर में एचडीडी हार्ड डिस्क जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है बैड सेक्टर्स बहुत सारे तैयार होते हैं, सो ओवर द पीरियड इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है और उसकी वजह से आपका लैपटॉप भी स्लो परफॉर्म करने लग जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं एचडीडी की जगह एसएसडी, तो एसएसडी रिप्लेस कीजिए, या नया लैपटॉप आप खरीद रहे हो तो एसएसडी के साथ ही लीजिए क्योंकि यहाँ पे एसएसडी परफॉर्मेंस वाइज बेटर रहता है एज कम्पेयर टू एचडीडी। अब एचडीडी हो या एसएसडी, इसमें डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एक यूटिलिटी होती है जो रन करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली इस डीफ्रेगमेंट यूटिलिटी से होता क्या है, आपकी फाइल जो स्प्रेड होती है ना सिस्टम के अंदर इधर उधर, वो रीअरेंज करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लो, आप जैसे आपका स्कूल का दिन ले लो, जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल के दिन में पहला दिन था तो हम किताबें कैसे अरेंज करते थे, हमारा जो बेसिकली कबाड़ मिलता था हमें बुक्स रखने के लिए तो उसमें किताबें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज होती थी, सब्जेक्ट वाइज अरेंज होती थी, लेकिन एक महीने के बाद जब टेस्ट आती थी तो किताबें इधर उधर, हमें कोई किताब मिल ही नहीं रही। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने उसे यूज किया है डेली यूज में और डेली हम उसे प्रॉपरली रीअरेंज करके नहीं रखते थे, राइट, तो लिया किताब रख दिया कहीं पे कहीं और, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे टाइम जाता है, जब हमें वो पर्टिकुलर किताब चाहिए तो ढूंढने के लिए टाइम जाता है।
है वहीं पे उसका बर्ड में, लेकिन वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक यूटिलिटी दी गई है, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। तो वो यूटिलिटी भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे बस टाइप करना है आपको सर्च के अंदर डिस्क डीफ्रैगमेंटर और ये यूटिलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो हार्ड डिस्क है या SSD है, इसमें जो फाइल स्प्रेड हुई है इधर उधर उसे रीअरेंज करने का काम यहाँ पे करता है। और इसमें एक पर्टिकुलर सेटिंग भी रख सकते हैं कि भाई आप इसे कितने टाइम पे बात करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, डेली। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे इसे वीकली सेट करो और ये यूटिलिटी भी रन करो, जिसकी मदद से क्या होगा कि भाई आपके जो हार्ड डिस्क है उसका परफॉर्मेंस या SSD का परफॉर्मेंस, बेसिकली ये स्टोरेज ड्राइव का परफॉर्मेंस बढ़ाता है ये यूटिलिटी। तो ये आपको करना बहुत जरूरी गाइस। उसके अलावा एक सिंपल सी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप काम कर रहे हो आपके लैपटॉप सिस्टम पे, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे टैब ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। वो क्रोम ब्राउजर हो सकता है, वो मोज़िला हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे टैब हम ओपन करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार इतने सारे टैब यहाँ पे ओपन मत रखो। क्रोम ब्राउजर के अंदर के मैक्सिमम टैब है आप ये क्लोज करो, जितने यूज है उतने रखो, क्योंकि क्रोम ब्राउजर यहाँ पे आपकी मेमोरी को ले लेता है, राइट, खा लेता है बेसिकली, रैम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर। तो इसलिए आप यहाँ पे मैक्सिमम टैब ओपन करके मत रखो, कम से कम टैब ओपन करके रखो, जिससे आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके विंडोज़ में अपडेट का ऑप्शन आया है तो आपको विंडोज़ अपडेट करना है, अगर हाँ आपका लाइसेंस वर्जन है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। तो अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो मैं रिकमेंड करूँगा विंडोज़ को अप टू डेट अपडेट रखो, ताकि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बरकरार रहे। तो अगर चेक करो अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो उसे अपडेट करके रख दो। उसके अलावा सेटअप स्टोरेज सेंस, ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे सर्च में जाकर टाइप करोगे स्टोरेज सेटिंग्स, तो स्टोरेज सेटिंग आप सर्च में टाइप करोगे, विंडोज 11 में टाइप करो, 10 में टाइप करो, जहाँ पे आपको रन स्टोरेज सेंस नाम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से क्या होता है बहुत सारे अनवांटेड फाइल भी क्लीन होती है। तो ये जो स्टोरेज सेंस है इसका भी आप हेल्प ले सकते हैं आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए गाइस। तो उसके लिए करना क्या है, बस आपको स्टोरेज सेटिंग्स टाइप करना है सर्च में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज सेंस का। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो वन ड्राइव होता है वो आपके कंप्यूटर में अगर लॉगिन है तो वो बार बार फाइल्स को सिंक्रोनाइज करता रहता है, इससे भी आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस वीक होता है। तो करना क्या है, एक तो अगर आप वन ड्राइव रेगुलर यूज़ नहीं करते हो तो भाई उसे अनइंस्टॉल ही मार दो, अगर यूज़ ही नहीं, रेगुलर नहीं यूज़ ही नहीं आपको तो अनइंस्टॉल करो। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं यूज़ करते हो तो उसका सिंक्रोनाइजेशन आप ऑफ कर सकते हो, उसके लिए साइन आउट करके रख सकते हैं, जब जरूरी तब साइन इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी जरूरी इसलिए क्योंकि वन ड्राइव यहाँ पे बार बार फाइल सिंक्रोनाइज करते रहेगा, और वन ड्राइव वैसे भी आपको मुझे लगता है 1 GB स्टोरेज स्पेस देता है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हैं वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑनलाइन फाइल्स आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ वन ड्राइव के जरिए तो आप यूज कर सकते हैं, बट उसका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ करने के लिए एक तो उसे साइन आउट रखो, जब जरूरी तब साइन इन आप कर सकते हो उसके लिए, राइट। तो वन ड्राइव के साथ ये करो, और वहां पे ट्रे में भी वन ड्राइव आपको दिखाई देता है सिंक्रोनाइज होता है, जो कि टास्क बार में ट्रे होता है, तो उस सिस्टम ट्रे में जाकर उसे आप एग्जिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं अगर वो परफॉर्मेंस ज्यादा ले रहा है तो। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस रन हो रहा है, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाला है, क्योंकि विंडोज का ऑलरेडी डिपेंडर एक एंटीवायरस होता है, वो भी काम करता है प्रॉपरली, राइट। लेकिन अगर थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाला है, कोई भी आप मैकेपे ले लो या कोई भी एंटीवायरस आपने डाला है अवास्ट वगैरह, तो उसे आप बंद रखिए या फिर उसे आप डिजेबल करके रखिए जब आपको जरूरत नहीं। हाँ, आपको लगता है कि यार आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होना है, तब आप उसे इनेबल करके रखिए ताकि वो फाइल्स को स्कैन करते रहे, राइट। लेकिन थर्ड पार्टी एंटीवायरस जनरली जब वो स्कैन होते रहता है, जैसे आप सिस्टम चालू करते हैं, तो फिर वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस भी वो वीक करता है। तो डेली आपको स्कैन करने की वैसे भी जरूरत नहीं। हाँ, आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगा रहे हो तब आप उसे स्कैन कर सकते हो उस एंटीवायरस की मदद से। उसके अलावा विंडोज़ का डिपेंडर होता है जिससे अच्छे से स्कैन होता ही है, तो आजकल एंटीवायरस थर्ड पार्टी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपका ज़्यादा ही रोज़ का ही पेन ड्राइव किसी का और का लगाना है तो फिर हाँ आपको, या फिर रोज़ ही आपको कुछ ऐसे अनवांटेड फाइल्स डाउनलोड करनी है तो फिर उस टाइम पे आप रेगुलर स्कैन करोगे तो वो अच्छा रहेगा। बट एंटीवायरस आल्सो स्लो डाउन योर पीसी गाइस, तो उसके लिए आपको उस पर भी ध्यान रखना है कि भाई उसे डिसेबल करके या उसे टेम्पररी डिसेबल करके, डीएक्टिवेट करके आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। परमानेंट डीएक्टिवेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, टेम्पररी, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। उसके अलावा इन सभी चीज़ों से काम नहीं बनता है तो मैं मानता हूँ क्या हूँ, ये आप क्लिप देख लीजिए पहले। फोन को ऑफ करके ऑन करने को, उसे ऑफ करके ऑन करके देखो, फोन को ऑफ ऑन करने से इसकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो देखा आपने एक क्लिप, ये बेसिकली एक स्काई क्रैपर हॉलीवुड मूवी की क्लिप है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम अगर वैसे सॉल्व नहीं होते तो आप सिस्टम को सिंपली रिस्टार्ट कीजिए। जी हाँ, अगर आपका लैपटॉप अभी स्लो चल रहा है और आपको बहुत काम करना है अर्जेंटली, तो फटाक से एक काम करो, पहले रिस्टार्ट करो। देखिए, शटडाउन नहीं, रिस्टार्ट और शटडाउन में फर्क होता है, जिसका वीडियो मैं आगे चलकर बनाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन मुझे
लिख दो कि भाई हाँ मुझे इसका डिफरेंस जानना है रिस्टार्ट और शटडाउन का, सो लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई रिस्टार्ट करके देख लो अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को, राइट। और उसके अलावा भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होते हैं, तो जैसे भूषण जी ने कहा था कि भाई फाइनली हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ सकता है, बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हमने कंप्यूटर में की है, 2-3 साल से हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो पुरानी सारी फाइल रिमूव कर दो और नया सिस्टम इंस्टॉल करो, जिससे एक फ्रेश विंडोज़ वहाँ पे इंस्टॉल होगा जिसमें कोई कचरा नहीं होगा, कचरे से मेरा मतलब है अनवांटेड फाइल्स नहीं होगी, राइट। तो जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ेगा। अब ये विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें, जैसे SMPS खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं, रैम खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर कोर्स डिज़ाइन किया दोस्तों, जिसकी लिंक आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगी, मतलब ये कोर्स मेरे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्किल कोर्स नाम का एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, एक अगर आप साइड अर्निंग करना चाहते हैं ना आपके जॉब के अलावा, तो आप ये हार्डवेयर कोर्स सीख सकते हैं। देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास मल्टीपल स्किल होने बहुत ज़रूरी है, साइड हसल्स होना चाहिए यार। अगर आप अपने जॉब से कुछ अर्निंग करते हो और आपको लगता है कि यार ये अर्निंग काफ़ी नहीं है, तो आपको साइड हसल करने ज़रूरी है, तो इसके लिए आप हार्डवेयर कोर्स सीख सकते हैं। जैसे आप हार्डवेयर कोर्स सीख लेते हो, तो आप आजू बाजू में जो फ्रेंड्स हैं, नेबर हैं, उनके कंप्यूटर रिपेयर करके दे सकते हैं, एंड यू लिटरली चार्ज देम 500-1000 रुपीज़, और उसके लिए हार्डली आपको 1-2 घंटा स्पेंड करना है कोई भी चीज़ रिपेयर करने के लिए, इतना भी टाइम नहीं लगता है, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने हार्डवेयर कोर्स में सीखा है कि भाई अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे हमें चेक करना है, ट्रबल शूटिंग उसे बोलते हैं, तो पहले SMPS कैसे चेक किया जाता है, फिर मदरबोर्ड कैसे चेक करना है, रैम कैसे चेक करना है, हार्ड डिस्क या SSD कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली उस कोर्स में बताई, जो आप घर बैठे बैठे अपने समय पे सीख सकते हैं। इन ऐप वीडियो डाउनलोड है, ऐप में वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आपको साथ में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें बहुत ही कम फीस में हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक साइड अर्निंग आप करना स्टार्ट करें, तो ज़रूर हार्डवेयर का कोर्स सीखे, मैं रिकमेंड करूँगा, जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है। इवन अगर आपको किसी का और का नहीं रिपेयर करना है, खुद का सिस्टम रिपेयर करना है, तो हार्डवेयर की तो नॉलेज होनी चाहिए यार। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आप 500 रुपये पे करोगे, जैसे SMPS में पावर नहीं आ रही है, तो उसमें कैसे चेक करना है मैंने बता दिया, आप घर बैठे चेक कर सकते पावर नहीं आ रही, तो SMPS पावर चेक कैसे कर सकते हैं, राइट। छोटा सा वहाँ पे एक सर्किट आपको चेक करना रहता है, तो वो उसके लिए आप क्यों पे करें किसी को, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, एंड गो एंड लर्न दैट कोर्स, जो कि बहुत कम फीस में, राइट। तो उतनी फीस तो आप मार्केट से वसूल कर लोगे, किसी का विंडोज इंस्टॉल किया तो भी उतनी फीस आ जाएगी, जो कि कोर्स की फीस है बेसिकली। सो दैट्स इट गाइज, इतना ही मुझे बताना था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और इन सभी मेथड को फॉलो करके देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में इतना कि भाई सर हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस, लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ गया, थैंक यू वेरी मच, इतना लिख दिया तो भी चलेगा मेरे लिए, कमेंट काफी है आपकी, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा आपकी। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्मार्ट बनिए, बाय बाय।